और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी उन्होंने जब पहला डोज लिया था बाकायदा ट्वीट किया था, एम्स से तस्वीरें भी सामने आई थी, और एक बार फिर अब जो दूसरा डोज है वो उन्होंने ले लिया है, एम्स में ही उन्होंने लिया है। बाकायदा उन्होंने 3 मिनट पहले ट्वीट किया है और फोटो भी शेयर किया है जिसमें वो दूसरा डोज ले रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि गॉट माई सेकेंड डोज ऑफ द कोविड 19 वैक्सीनेशन एट एम्स टूडे। उन्होंने कहा है कि दूसरा डोज मैंने कोविड 19 वैक्सीनेशन का एम्स में ले लिया है। वैक्सीनेशन इज अमंग द फ्यू वेज वी हैव टू डिफीट द वायरस। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वैक्सीनेशन जो है कई में से कुछ ऐसे, जिस तरह से आप कई तरीकों से आप कोविड 19 से बच सकते हैं, उनमें से एक तरीका है वैक्सीन भी। इसलिए जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग वैक्सीन जल्द से जल्द ले ले। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, दूसरा डोज भी प्रधानमंत्री ने ले लिया है, लेकिन साफ तौर पर अपने ट्वीट पर लिखा है कि कई रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कोरोना से बचने का। देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला डोज लिया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि वैक्सीन लेना है और आपको सावधानी अभी भी बरतनी है, और आज दूसरा डोज लेने के बाद भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचने का एक रास्ता ये भी है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले, जब उनका नंबर आए तो जरूर ले। और आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से चल रहा है, उसकी संख्या लोगों की बढ़ रही है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेशन करा चुके हैं, और शायद ये कहा जा सकता है कि अप्रैल के एंड से जो है 30 से जो 45 साल के लोग हैं उनको भी जो है वो वैक्सीनेशन का जो है लिए टाइम मिलेगा। तो एक बड़ी चीज ये है कि आज प्रधानमंत्री जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो सेकेंड डोज ले चुके होंगे, और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन ले, क्योंकि वैक्सीन से खुद भी बचा जा सकता है, लोगों को भी बचाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि पहले भी प्रधानमंत्री इस तरीके के जो है अपील लोगों से करते रहे हैं, जब वैक्सीन नहीं आई थी भारत में, अब जब वैक्सीन आ गई है तो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, दो गज की जो दूरी है उसका ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगना है वो वैक्सीनेशन करा लें। बिल्कुल, और इस बीच तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, एम्स से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकेंड डोज ले रहे हैं अपने वैक्सीनेशन का। इससे पहले भी जब तस्वीर आई थी तो वो भी हमने आपको दिखाई थी, जब वैक्सीन ले रहे थे, सेकेंड डोज ले रहे थे हिमांशु, तो उस वक्त वहां पर कौन लोग मौजूद थे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जब उन्होंने पहली वैक्सीन ली थी तो याद कीजिए जिस नर्स ने उन्हें वैक्सीन दी थी वो केरल की थी, और डॉक्टर जो हैं वो तमिलनाडु के थे। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो भी लोग होंगे, या तो वो जिन नर्स ने उन्हें पहला डोज दिया था उन्हीं नर्स ने उन्हें सेकंड डोज दिया, ये अब से कुछ देर में थोड़ी सी पिक्चर जो है श्वेता वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि एम्स के डायरेक्टर भी वहां होंगे और बाकी स्टाफ भी रहा होगा जहां उन्होंने वैक्सीनेशन ली होगी। बिल्कुल, और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं 1 मार्च की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ने फर्स्ट डोज लिया था कोविड वैक्सीन का, और दूसरी तस्वीर हम अभी की थोड़ी देर पहले की आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने दूसरा डोज लिया। बाकायदा पहला डोज जब उन्होंने लिया था तो वहां पर जो सिस्टर थी, जो नर्स थी जिन्होंने उनको वैक्सीन दिया था, उन्होंने बताया था, और ये फॉर्मेलिटी होती है, आपको बताया जाता है बाकायदा कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा वैक्सीन लग रहा है, कोवैक्सीन प्रधानमंत्री ने लगवाया है, और उसके बाद जो है आज दूसरा डोज लिया है, और अब से 3-4 मिनट पहले बाकायदा प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और लोगों से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग एलिजिबल हैं अभी, क्योंकि अभी तक 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से रफ्तार भी बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो उनसे भी कम उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन ले पाएंगे, तो लोगों से भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ अपने ट्वीट में जो किया है, जो कहा है, उसका यह भी मतलब है कि देखिए कई रास्ते हैं कोरोना से बचने के, लेकिन उनमें से एक रास्ता वैक्सीन भी है, तो आप वैक्सीन भी लें, लेकिन वैक्सीन लेने का यह कतई मतलब नहीं है कि आप बाकी चीजों से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हाथ, ये सब बहुत जरूरी है।
तो प्रधानमंत्री अपील करते हुए बाकायदा फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने एम्स में आज सेकेंड डोज लगवा लिया है अपने कोविड 19 वैक्सीन का। उन्होंने बाकायदा इंग्लिश में ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, गॉट माई सेकेंड डोज ऑफ द कोविड 19 वैक्सीन एट एम्स टूडे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है और पहला डोज उन्होंने लिया था 1 मार्च को और आज 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने दूसरा डोज लिया है और लोगों से ज्यादा भागीदारी निभाने की अपील भी की है। जब फर्स्ट डोज उन्हें लग रहा था तो डॉक्टर गुलेरिया भी वहां पर मौजूद थे।